अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर 10 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं और सॉल्ट्स क्या होते हैं, इनके रिएक्शंस क्या होते हैं, ये किस तरह लेबोरेटरी में प्रिपेयर होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, इनके यूजेस क्या होते हैं। ठीक, इसको हम रीड करेंगे आज। एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं डेट अ लार्ज नंबर ऑफ अ कंपाउंड कैन बी मेड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ द वेरियस एलिमेंट्स, मोर देन 3 मिलियन कंपाउंड्स आर ऑलरेडी नोन टू अस। ठीक है, हम 3 मिलियन से ज्यादा और कंपाउंड्स के बारे में तो जानते ही हैं। सब जो है एलिमेंट जो है कंपाउंड्स का मजमुआ होते हैं, ये सारे मिलकर एक कंपाउंड बनाते हैं। इट इज नॉट ईजी टू लर्न द कॉम्बिनेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोजिशन एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ ईच कंपाउंड, ये बहुत नामुमकिन है क्योंकि हम सारी ही प्रॉपर्टीज के बारे में कंपाउंड की पढ़ सकें। हाउएवर ऑल द कंपाउंड आर क्लासिफाइड इंटू 3 ग्रुप्स, तो इस तरीके से कंपाउंड्स को 3 ग्रुप्स में क्लासिफाइड कर दिया गया है। दीज ग्रुप्स ऑफ कंपाउंड आर नोन एज, कंपाउंड्स के इन ग्रुप्स का नाम है एसिड्स, कुछ को एसिड्स में इनकी खसूसियात के मुताबिक जो है, जब इनकी खसूसियात को देखते हुए इनको एसिड्स में डिवाइड किया, कुछ को बेसिस में और कुछ को सॉल्ट्स में। सबसे पहला टॉपिक है एसिड्स। एसिड का मतलब होता है तेजाब। द वर्ड एसिड कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड, लैटिन वर्ड से निकला है एसिडस विच मीन्स सोर, जिसका मतलब होता है कड़वाहट। द टर्म एसिड वॉज इंट्रोड्यूस इन द केमिस्ट्री टू नेम दैट ग्रुप ऑफ कंपाउंड विच हैज अ सोर टेस्ट। ठीक है, ऐसे कंपाउंड जिनका टेस्ट जो है, जिनका जायका जो है वो सोर किस्म का होता है, उनमें इनको रखा गया है। फ्रूट्स डेट टेस्ट सोर हैज एसिडिक, जो ऐसे फ्रूट जिनका टेस्ट जो है वो थोड़ा सा खट्टा या कड़वाहट वाला होता है, उनको एसिड कहते हैं। जिनमें लेमन, ऑरेंजेस, ग्रेप फ्रूट हैव द सिट्रिक एसिड, इन सब के अंदर कौन सा एसिड मौजूद होता है, सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड इज अ वीक एसिड, ये बहुत ही कमजोर एसिड होता है। हाउएवर सम एसिड्स आर वेरी स्ट्रांग एंड डेंजरस टू हैंडल, इसके अलावा बहुत सारे एसिड ऐसे होते हैं जो बहुत नुकसानदेह होते हैं और खतरनाक होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सल्फ्यूरिक एसिड बहुत खतरनाक एसिड होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड लाइक सल्फ्यूरिक एसिड आर कॉज सीरियस स्किन बर्न, ये स्किन को जला देते हैं। बट इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसिड, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा जरूरत के मुताबिक बहुत इस्तेमाल होने वाला, बहुत हमारे जो है वो काम आने वाला एसिड होता है। टुडे वी एनकाउंटर दीज एसिड डायरेक्टली एज इनडायरेक्टली इन अवर नॉर्मल एक्टिविटीज, हम इनको अपनी एक्टिविटीज में इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरीके से ऑल फ्रूट्स कंटेन एसिड्स, सारे फ्रूट्स के अंदर एसिड मौजूद होते हैं। सो डू मैनी कॉमन फूड्स, जैसे कोल्ड ड्रिंक कंटेन सम कार्बोनिक एसिड, कोल्ड ड्रिंक में कार्बोनिक एसिड डाली जाती है विद गिव्स अ टाइटनिंग टेस्ट, जिसकी वजह से इसका टेस्ट डिवेलप होता है। एप्पल कंटेन मेटैलिक एसिड, एप्पल के अंदर मेटैलिक एसिड होता है। लेमन ऑरेंज में सिट्रिक एसिड होता है। गोस बेरीज में टैट्रिक एसिड होता है। सोरिंग मिल्क प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड। इवन द डाइजेशन ऑफ द फूड स्टॉमिक ऑफ आवर बॉडी डिपेंड ऑन द प्रेजेंस ऑफ अ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हमारे जिस्म के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कुछ मिकदार मौजूद है जो कि हमारे जिस्म में खाने को हजम करने में मदद साबित होती है। दीज सब्सटेंसेस आर द एग्जाम्पल ऑफ नेचुरली अकरिंग एसिड्स और ऑर्गेनिक एसिड्स। ठीक है, ये सारी एग्जाम्पल्स हैं नेचुरली अकरिंग, जो कि हमारे जिस्म में खुद ब खुद कुदरती तौर पर ऑर्गेनिक एसिड्स के तौर पर काम करती हैं। केमिस्ट हैव प्रिपेयर सेवरल इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल एसिड्स सिंथेटिकली, फिर जब जरूरत के मुताबिक फिर केमिकल्स वो बनाया गया। केमिस्ट ने कुछ एसिड्स ऐसे तैयार किए केमिकली लेबोरेटरीज वगैरह में, दे आर मैन्युफैक्चर फॉर मटीरियल्स एंड देयर फॉर नॉन एज इनऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, जो कि खुद से तैयार किया गया उनको इनऑर्गेनिक एसिड का नाम दे दिया गया। और मोर कॉमनली मिनरल्स एज, ठीक है, एसिड्स, और बहुत से एसिड्स को मिनरल के तौर पर भी इस्तेमाल किया गया। द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनरल एसिड आर सल्फ्यूरिक एसिड, जिनमें सबसे ज्यादा यूज होने वाला सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ठीक है, इनके HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिप्रेजेंट करता है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड को रिप्रेजेंट करता है, नाइट्रिक एसिड जो है HNO3 को रिप्रेजेंट करता है। द एसिड्स प्रेजेंट इन द फूड स्टफ आर वीक, ठीक है, खुराक के अंदर जो एसिड मौजूद है कुदरती तौर पर वो के थोड़े से कमजोर होते हैं। मिनरल एसिड सच एज सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड आर वेरी स्ट्रांग, जबकि जो मिनरल एसिड्स हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं। दीज एसिड शुड नॉट बी टेस्टेड, इनको टेस्ट नहीं करना चाहिए। दे आर एक्सट्रीमली कोरोस, ठीक है, ये बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं, ये इनको गला देते हैं, कपड़ों को गला देते हैं। दीज कंसेंट्रेटेड एसिड शुड बी हैंडल्ड विथ केयर इन
बहुत तेजी से अमल करने वाले एसिड्स को बहुत आराम से और बहुत एहतियात से पकड़ना चाहिए। जनरल प्रॉपर्टीज, आम प्रॉपर्टीज जो है वो इसकी क्या है, लेट अस नाउ स्टडी द प्रॉपर्टीज विच आर कॉमन। एसिड्स की खुद कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में हम यहाँ जानेंगे। एसिड्स हैव अ सॉल्ट टेस्ट, एसिड्स की जो है वो खट्टा और खट्टापन होता है, कड़वाहट होती है इसके जायके में। टेक अ क्लीन टेस्ट ट्यूब, एक साफ सुथरी टेस्ट ट्यूब लीजिए, उसको फिल कीजिए वाटर से, पुट फ्यू ड्रॉप ऑफ लेमन जूस, इसके अंदर लेमन जूस डाल दीजिए इन टू द टेस्ट ट्यूब विद द हेल्प ऑफ अ ड्रॉपर, ड्रॉपर की मदद से क्लोज द एंड विद द थम, अब थम की मदद से इसको बंद कर दीजिए और इसको हिलाइए। अब अपने अंगूठे पर जो लगा हुआ पानी है उसको टेस्ट कीजिए, तो आपको किस तरह का टेस्ट महसूस होगा। लेमन टेस्ट करते हैं आप लोग, तो अगर लेमन का जायका चखें तो आपको लेमन खट्टा खट्टा तो कभी कभी थोड़ा सा कड़वा भी लगता है, तो उसमें सिट्रिक एसिड मौजूद होता है। ठीक है, रिएक्शन विद इंडिकेटर, अब इंडिकेटर्स के साथ इसका रिएक्शन अगर करवाएं, इंडिकेटर ऐसे पेपर को कहते हैं या ऐसे मटेरियल्स को कहते हैं जिससे आपको उसकी कंपाउंड की जो है सलाहियत के बारे में पता चल जाता है कि ये एसिड है, बेस है या ये सॉल्टी है। ठीक है, एसिड में क्या होगा, जो आपका लिटमस पेपर ब्लू कलर का होगा या फिर सोल्यूशन होगा मिथाइल ऑरेंज का, वो सब जो है वो रेड कलर में चेंज हो जाएंगे, जबकि फेनाफिथिलीन जो है वो एसिड में कलरलेस ही रहता है। तो ये इसका इंडिकेटर्स हैं जो कि शो करेंगे कि ये आपकी मटेरियल जो है, ये कंपाउंड जो है वो एसिडिक है। इस एक्टिविटी को शो करेंगे, टेक अ लिटल डाइल्यूट HCl और या फिर HCl ले लीजिए या फिर H2SO4 ले लीजिए, इन थ्री सेपरेट टेस्ट ट्यूब, अलग अलग टेस्ट ट्यूब में इनको डालेंगे 1-3 करके, एड 2 ड्रॉप ऑफ ब्लू लिटमस मिथाइल ऑरेंज एंड फेनाफिथिलीन इन टेस्ट ट्यूब 1-2 एंड अलग अलग सब में ये तीनों इंडिकेटर्स अलग अलग टेस्ट ट्यूब में डाल दीजिए और अब आप इसमें इनके कलर चेंज होते हुए देखेंगे। लिटमस पेपर जो है ब्लू से जो है वो रेड में चेंज हो जाएगा, लिटमस मिथाइल ऑरेंज रेड से भी रेड में चेंज हो जाएगा ब्लू से। ठीक है, और फेनाफिथिलीन जो है वो कलरलेस ही रहेगा, उसका कोई कलर चेंज नहीं होगा। एसिड आर अ कंपाउंड दैट कंटेन हाइड्रोजन, एसिड ऐसे कंपाउंड जिनमें हाइड्रोजन मौजूद होती है, उनमें कौन कौन से कंपाउंड हैं, द मॉलिक्यूलर फार्मूला और कॉमनली नोन एज, आप इनके फार्मूलों को पहले भी पढ़ चुके हैं, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, H2CO3 कार्बोनिक एसिड, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड। वट इज कॉमन इन ऑल एसिड लिस्टेड अबव, ये जो आप सब ऊपर देख रहे हैं इन सब में आपको क्या चीज कॉमन नजर आ रही है, हम ये देखते हैं कि हाइड्रोजन इन सब में कॉमन है, इसमें भी हाइड्रोजन है, इसमें भी सब में हाइड्रोजन मौजूद है। दस वी कैन से दैट एसिड आर कंपाउंड दैट कॉन्टेन हाइड्रोजन, तो हम ये कह सकते हैं एसिड ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कि हाइड्रोजन में मौजूद, जिनमें हाइड्रोजन मौजूद होती है। एसिड रिलीज हाइड्रोजन H+ इन एक्वस सॉल्यूशन में ये रिलीज कर देता है एज ओनली पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव आयन के तौर पर ये एसिड जो है वो हाइड्रोजन आयन को रिलीज कर देता है। एसिड्स आर कंपाउंड विच फॉर्म हाइड्रोनियम आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम ऐसे एसिड्स पढ़ेंगे जो कि हाइड्रोनियम आयन को जो है वो एक्वस सॉल्यूशन में बनाते हैं, हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, लेट अस सी द रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद वाटर, वाटर के साथ इनका रिएक्शन देखेंगे, HCl का भी, ठीक है, HNO3 का, H2SO4, H2CO3, H3PO4, इन सबको वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास सोल्यूशन में क्या आ जाएगा, ठीक है, हाइड्रोनियम आयन H3O और प्लस NO3SO4 कार्बोनिक CO3PO4। ठीक है, डू यू नो फाइंड एनीथिंग कॉमन अगेन, अब आपको इन सब में क्या चीज कॉमन नजर आ रही है, येस ऑल एसिड्स रिएक्ट विद वाटर टू गिव एन एसिड रेडिकल एंड हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, एसिडिक आपका एसिडिक रेडिकल्स हैं और हाइड्रोनियम आयन इसके साथ मौजूद है, इन सब में कॉमन रिएक्शन ये हुआ, ऑल एसिड रिलीज हाइड्रोजन आयन, सबने हाइड्रोजन आयन को रिलीज किया है इन एक्टिव सॉल्यूशन में। हाइड्रोजन आयन कैन ओनली एग्जिस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, हाइड्रोजन आयन जो है सिर्फ प्रेजेंस होता है वाटर की मौजूदगी में। दीज एक्वस ऑफ हाइड्रोजन आयन आर समटाइम्स शोन H3O पॉजिटिव एंड आर कॉल्ड हाइड्रोक्सोनियम आयन। ठीक है, हाइड्रोक्सोनियम आयन कहलाता है, एसिड रिएक्ट विद द मोर एक्टिव मेटल्स टू फॉर्म सॉल्ट्स एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस।
अब एसिड जो है जब वो रिएक्ट करते हैं जब मोर एक्टिव मेटल्स के साथ तो नमक बनाते हैं, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करते हैं। ठीक है, मेटल्स के साथ एसिड का रिएक्शन होगा तो सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। इस एक्टिविटी से पता चलेगा टेक अबाउट 5 ml ईच ऑफ द डायल्यूट हाइड्रोजन क्लोराइड, डायल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड डायल्यूट एसिटिक एसिड इन 3 different टेस्ट ट्यूब। ठीक है, ये सारे डायल्यूट एसिड जो है वो हम अलग अलग टेस्ट ट्यूब में भर लेंगे एंड एड अ पीस ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन टू ईच टेस्ट ट्यूब। और हर एक के अंदर आप मैग्नीशियम रिबन जो है वो डाल देंगे। अब हम क्या देखते हैं, देयर विल बी इफेक्टिव इन ईच टेस्ट ट्यूब। इस टेस्ट ट्यूब में क्या होगा, टेस्ट द गैस बाय ब्रिंगिंग एंड बर्निंग स्प्लिटिंग नियर द माउथ। अब टेस्ट ट्यूब के करीब आप जो है वो चलती हुई तीली लेके जाएंगे तो गैस बर्न विद अ पॉप साउंड, गैस जो जल जाएगी बहुत ऊंची सी आवाज के साथ जो कि बताती है कि इसके अंदर हाइड्रोजन गैस मौजूद है। इस केस में मैग्नीशियम रिप्लेस हाइड्रोजन, मैग्नीशियम जो है हाइड्रोजन की जगह ले लेगी। फ्रॉम दीज एसिड्स आप इस रिएक्शन को इस तरीके से देखेंगे, मैग्नीशियम का रिएक्शन करवाया गया HCl के साथ एसिड के साथ तो MgCl बन गया और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो गई, अलग हो गई। इसी तरह इसका इस रिएक्शन इसके साथ H2SO4 के साथ करवाया गया तो MgSO4 बन गया और हाइड्रोजन गैस अलग हो गई। इसी तरह जब इसका रिएक्शन करवाया गया एसिटिक एसिड के साथ तो मैग्नीशियम के साथ शामिल हो गई एसिटिक एसिड और गैस जो है वो अलग हो गई। इसी तरह सिमिलरली सम अदर मेटल्स लाइक सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फेरियम, लेड, एल्यूमिनियम रिप्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम दिस एसिड। ठीक है, इन एसिड में से वो हाइड्रोजन को निकाल देती है। वी राइट द इक्वेशन टू फॉर्म द रिएक्शन विद द अबव मेंशन मेटल्स। ठीक है, आप अब इनकी खुद से इक्वेशन लिखने की कोशिश करेंगे जैसे आपने ये इक्वेशन देखी है। ठीक है, ये एक्टिविटी कीजिएगा खुद से जब रीडिंग करेंगे आप लोग। तो जब स्कूल आएंगे तो मैं आपसे पूछूंगी आप लोगों ने इसकी की है या इक्वेशंस बनाई है खुद से या नहीं। एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स टू लाइब्रेट कार्बन डाइऑक्साइड। अब एसिड जो है वो कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो प्रोड्यूस होगी।